गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? इनविटेशंस। और मैंने आपको बताया था इनविटेशंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उनके रिप्लाई, ठीक है? इनविटेशंस के रिप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्लाई दो तरह के होते हैं, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल। जैसे मैंने बताया था ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस, और सेकेंड इज रिफ्यूजल REFUSAL। रिफ्यूजल का एक और नाम है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब मना करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन से रिलेशन को स्टडी करेंगे आज? फॉर्मल, ठीक है? वो कल होगा आपका इनफॉर्मल का। तो फॉर्मल रिलेशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, जो फॉर्मल पर्सन इनविटेशंस होगा वो कौन से पर्सन में लिखा जाएगा? थर्ड पर्सन में, यानी कि यूजिंग ही, शी, इट, दे, एनी नेम। ये थर्ड पर्सन है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अगर आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और रिफ्यूजल बिकॉज ऑफ सम प्रायर काम, किसी जरूरी काम की वजह से आप वहां नहीं जा पा रहे, वो होगा आपका डिक्लाइन और रिफ्यूजल। थर्ड पर्सन लिखा जाएगा। मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन लिख के बताऊं फिर मैं समझा देता हूं। मान लीजिए यहां पर लिख देता हूं, मोहित ने इन्वाइट किया है स्नेहा को क्योंकि मोहित का बर्थडे है। बर्थडे वाली थी 15 अक्टूबर को है। वेन्यू है होटल, आप लोग राजस्थान में है, और 7 PM इन्वाइट किया है कि मोहित जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है, और 15 अक्टूबर को होटल आप लोग राजस्थान में। अब उसने किसको इन्वाइट किया? स्नेहा को। अब याद रखिए, मोहित ने किसको, मोहित हैज इनवाइटेड स्नेहा, मोहित ने स्नेहा को इनवाइट किया है। नाउ हु विल रिप्लाई द इनविटेशन? अब इनविटेशन का रिप्लाई कौन देगा? स्नेहा देगी। तब तक आज स्नेहा आंसर कैसे देगी? मोहित को क्या आंसर देगी? देखिएगा उसका एक्सेप्टेंस देखते हैं। अगर स्नेहा उस बर्थडे में जाएगी, इफ शी इज विलिंग टू गो, अगर वो जाना चाहती है, देखिएगा आपको रिप्लाई दे रहा है, इनविटेशन का रिप्लाई दे रहा है। मान लीजिए पहले कैसे इनविटेशन सेंड किया? मोहित ने स्नेहा को सेंड किया कि ही इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। नाउ स्नेहा हैज टू चॉइसेस, स्नेहा के पास दो रास्ते हैं, वेदर टू एक्सेप्ट और टू डिक्लाइन। या तो एक्सेप्ट करे या डिक्लाइन करे। अगर एक्सेप्ट करेगी तो क्या लिखेगी वो? स्नेहा थैंक्स मोहित फॉर हिज काइंड इनविटेशन, INVITATE, इनविटेशन टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ऑन 15 अक्टूबर 2028 होटल आप लोग राजस्थान 8:07 PM ऑनवर्ड्स। टाइमिंग लिखा है सेंड। आगे लिखी शी इज प्लीज्ड टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। ये आपका इनविटेशन हो गया, फुल मार्क्स चलेगा आपके इसके अंदर। देखिए क्या लिखा आपने, स्नेहा जो है, यहां पर स्नेहा कौन है बेटा? SENDER, सेंडर ऑफ रिप्लाई। रिप्लाई को सेंड करने वाली है, सेंडर ऑफ रिप्लाई। रिप्लाई देने वाली कौन है? स्नेहा है। यहां पर जो थैंक्स है, ये थैंक्स वर्ड क्या है? ग्रेटिट्यूड, यानी कि आप अपने कहने का मतलब है कृतज्ञता शो कर रहे हो। स्नेहा धन्यवाद दे रही है। मोहित जो है वो कौन है? होस्ट है, होस्ट यानी मेजबान, जिसने इनवाइट किया है। और ये लिखा सकते हो स्नेहा के, और कौन है? गेस्ट है, नेम ऑफ द गेस्ट। यहां पर जो लिखी है आपने ये लाइन लिखी है, इसके अंदर क्या लिखा है? एक तो आपने क्या मेंशन किया है? एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, एक्सेप्टिंग द
इनविटेशन, एक तो इनविटेशन तो आपने एक्सेप्ट किया है, नंबर टू आपने क्या क्या चीज मेंशन की है, यहां पर लिख देता हूं, डेट टाइम और वेन्यू, और इन सभी को किस तरह क्रॉस कर देंगे हम, बॉक्स में क्रॉस कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर लिखा आपने, स्नेहा थैंक्स कह रही मोहित को फॉर हिज स्किल्स के लिए, मोहित के लिए काइंड इनविटेशन टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ऑन 15th October 2028 होटल आफ्टर राजस्थान 8:07 PM ऑनवर्ड्स। शी किसके लिए, स्नेहा के लिए, स्नेहा ने सेंडर ऑफ द रिप्लाई है इज प्लीज टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। इस लाइन को एक्सेप्ट लिख सकते हैं, शी हैड ग्लेस ग्रेट प्लेजर्स इन एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन। अब मान लीजिए ये तो पॉजिटिव रिप्लाई दे रही है, नेगेटिव रिप्लाई हो क्या मिलेगा, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस में क्या क्या चीज फॉलो कर लेंगे, सेंडर ऑफ रिप्लाई, रिप्लाई को सेंड करने वाला कौन है, स्नेहा। सेकंड थैंक्स वर्ड क्या है, ग्रेटिट्यूड। थर्ड मोहित, इज मोहित होस्ट यानी जिसने इनवाइट किया है, इनवाइटर है ये। नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है, इसके अंदर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इसमें डेट है, टाइम है, वेन्यू है और ओकेजन भी है, ठीक है, ओकेजन भी है, इवेंट भी है इसके अंदर, ये मेंशन कर सकते हैं आप, बस इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए यही रिफ्यूजल होता, अगर मान लो स्नेहा नहीं आ पाती तो लास्ट लाइन को चेंज कर देती, बस लास्ट लाइन चेंज हो जाएगी, और लास्ट लाइन क्या हो जाएगी देखिएगा, ये तो सेम लाइन आएगी सेम, बट रिग्रेट्स, आर ई जी आर ई टी एस, या रिग्रेट टेक्स कब लगेगा याद रखिएगा, हमेशा रिग्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं, रिग्रेट में फीलिंग सॉरी बहुत बहुत दुखी है, जब भी सेंडर जो होगा सिंगुलर होगा तो रिग्रेट टेक्स लगेगा, पर रिग्रेट्स फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड दिस फंक्शन एफ यू एन सी डी आई वाई, वो कोई भी रीजन बता सकती कि फंक्शन को अटेंड क्यों नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑफ प्रियर और प्रायर पी आर आई ओ आर पहले के एंगेजमेंट की वजह से, ई एन जी ए जी एम ई एन टी, यहाँ पर एंगेजमेंट का सगाई नहीं है, जरूरी काम की वजह से, वो कह रही है कि शी बट रिग्रेट्स और उसे दुख है फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ प्रायर पी आर आई ओ आर एंगेजमेंट, और प्रायर अर्जेंट वर्क लिख सकते हो, और लास्ट टाइम चेंज रहेगी शी विशेष दिस फंक्शन अ ग्रेट सक्सेस, अ ग्रेट सक्सेस एस यू डबल सी ई डबल एस, बस इसको बॉक्स में क्रॉस कर देना, इसका मतलब सेम थिंग हुआ, रिफ्यूजल में वही चीज आ गई ना, सेंडर रिप्लाई थैंक्स आ गया, ग्रेट एहसान शो कर रही है, धन्यवाद दे रही है, मोहित कौन है, होस्ट है, सब चीज वैसी, लेकिन यहां पर आपकी बात एक्सेप्टेंस था ना, ये इनविटेशन चेंज हो गया, एक्सेप्टिंग नहीं है, और ये है आपका डिक्लाइनिंग, डी सी एल आई एन आई एन जी, मतलब मना कर रही है वो, मना कर रही है तो लास्ट लाइन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ओनली लास्ट लाइन इज बीइंग चेंज, केवल लास्ट लाइन चेंज हो रही है। स्टूडेंट देखिएगा, इफ द सेंडर ऑफ रिप्लाई सिंगुलर, जब भी सेंडर सिंगुलर स्नेहा था, स्नेहा के लिए हमने जगह जगह यूज किया, शी यूज किया, अगर स्नेहा की जगह कोई मस्कुलाइन होता जैसे कमर होता तो उसके लिए ही आता, और स्नेहा की जगह कोई प्लुरल दो होते तो उनके लिए दे आता, याद रखिएगा, अगर सेंडर सिंगुलर है तो उसके लिए हैज यूज किया जाएगा, हर जगह हैज, जहां आपने हैज लिखा है, और सब्जेक्ट अगर वो प्लुरल है तो उसके लिए दे यूज की जगह दे के साथ हैज नहीं है वाला है, जैसे आपको जैसे क्या लिखा है, हिज, हिज किसके लिए, मोहित के लिए, अगर मोहित की जगह कोई लड़की का नाम होता तो हर आता, और प्लुरल होता तो घर की जगह दे आता, बस ये चीज फॉलो करते हैं, ओके। इसके कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट इनविटेशन सेंड कर दूंगा आपको, आप उनको सॉल्व कीजिएगा, ये फॉर्मेट फॉलो करना है, थैंक यू। वन मोर थिंग बेटा, आप समझ लीजिए किस तरह से लिख रहे हैं, आपको सारी चीज वही फॉलो करनी है, नेम और सेंडर ऑफ द रिप्लाई, रिप्लाई को सेंड करने वाले का नाम, ग्रेटिट्यूड शो करना है, नेम ऑफ द होस्ट, इनविटेशन चाहे वो एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग है, डेट मिनट टाइम डे ओकेजन एवरीथिंग मेंशन करना है। यहाँ पर शी को किसके लिए आया है, स्नेहा के लिए, अगर स्नेहा की जगह मोहित यहाँ होता तो क्या होता, ही अगर ये बार प्लुरल होता दो को बुलाते मिस्टर मिसेस शर्मा तो दे आता, वो दे आएगा ना, शी विशेष, देखो शी विशेष, जब भी यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो विश में क्या लगेगा, ईएस लगेगा, और ये प्लुरल होगा मतलब दे होगा, यहाँ दे का होगा, जब यहाँ प्लुरल वर्ड होगा तो दे के साथ ये विश लगेगा, एस एस का यूज नहीं होगा, एस एस का यूज तभी हो सकता है जब सेंडर रिप्लाई है सिंगुलर, वो क्या हो, सिंगुलर हो, इसको ढंग से स्टडी करना इजीली समझ में आ जाएगा, थैंक यू बेटा।